जिया जिया चलो जिया जिया। ये बिकॉज पुल का लगा है काम, इस चक्कर में है यहाँ पे जाम। वाह जी वाह यार, क्या लाइन बन गई है। हेलो जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूं आपका दोस्त प्रत्यु सैनी। आज फिर से नया दिन, न्यू वीडियो, न्यू जर्नी में आपका स्वागत है। तो जी, अपने दांत की रिकवरी के बाद आज हमने उठाया कैमरा काफ़ी दिनों के बाद। तो वैसे आज है संडे, तो आज हम करेंगे संडे राइड। तो यार बड़े दिन हो गए राइड की हुए, तो सोचा क्यों ना एक संडे राइड की जाए। तो आज मेरे राइडिंग पार्टनर हैं जिन्होंने यार हमारे साथ जीवी की राइड की। जीवी के ब्लॉग नहीं देखे उस प्ले लिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। तो वो भाई है आज मेरे राइडिंग पार्टनर, तो हम साथ में चलेंगे यार। जो प्लान है वो आपको रास्ते में चलते चलते बताते हैं यार। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो जी दोस्तों, मेरी राइड होगी शुरू, भाई ने मैं कर लिया है ज्वाइन। पहले मैंने सोचा भाई अकेले आ रहे होंगे, लेकिन भाई के साथ है भाभी। तो चलो चलते हैं अब। तो यार वैसे ना हमारा प्लान बना है पालमपुर वाली साइड चलेंगे। पालमपुर में एक प्यारी सी लोकेशन जो कि है जिया। तो वैसे वेदर काफ़ी ख़राब हो गया यार यहीं पे, तो देखते हैं यार पालमपुर में कैसा वेदर मिलता है यार। बस बारिश ना हो, बारिश होगी ना तो थोड़ा सा राइड ख़राब हो जाएगी, तो संडे राइड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पर लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे जिया को। अभी टाइम वैसे हो चुका है 4 o'clock, थोड़ा सा लेट हो गया हम निकलने के लिए, क्योंकि दिन में ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो चल शाम को निकलते हैं। तो चलो यार चलते हैं इंजॉय करते करते। ऐसा करेंगे ना, मेन हाईवे से तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी और मज़ा भी नहीं आएगा यार। तो हम चलेंगे इस साइड से, यहाँ से ना जो रोड की वाइब है वो भी काफ़ी सही है और काफ़ी प्यारे प्यारे व्यू हैं, तो राइड करने का भी मज़ा आएगा और आपको वीडियो देखने का भी मज़ा आएगा। तो यहाँ से सिर्फ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी, तो इस रोड से नहीं जाएंगे आज, हम चलेंगे इस वाले रोड से। यहाँ की रोड की जो वाइब है ना काफ़ी प्यारी है। मेन रोड से तो सारे ही जाते हैं, हम थोड़ा सा यूनिक करते हैं, तो यूनिक रास्ते से चलते हैं। आओ यार क्या ही सही है यार, बिल्कुल सीधा सीधा रोड। ओ कादा बिंद रखी है दा फैन तू जटा, जे जट दी पसंद ही वे आई ना गई। आज बुलेट 350 वर्सेस क्लासिक 350 भी हो जाएगा यार। तो चलो रेस भी करेंगे बीच बीच में। अगर सोचो है ना, मौसम साफ होता और सामने धौलाधार है जिस क्लियर होती, इमेजिन करो यार कितना प्यारा व्यू होता। बस वो व्यू मिस हो रहा है, पर जो मज़ा आ रहा राइड करने काफ़ी ज़्यादा। बारिश हमारा इंतज़ार कर रही है और हम आ रहे हैं जिया की तरफ। वाओ बिंद रखिए दा फैन तू जटा, जे जट दी पसंद ही वे आई ना। ओहो ओहो, अरे क्या बात है वे जटा, क्या बात है। बिकॉज पुल का लगा है काम, इस चक्कर में है यहाँ पे जाम। वाह जी वाह यार, क्या लाइन बन गई है। पुल का लगा है काम, इस चक्कर में है यहाँ पे जाम। थैंक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों यार ये है चामुंडा माता जी का मंदिर इस साइड, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। अब हम पकड़ेंगे मेन हाईवे, वैसे ये भी मेन ही है और यहाँ से पालमपुर है सिर्फ 19 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर तक तो हम पूरा जाएंगे नहीं, हम लेंगे एक टर्न जिया के लिए। जिया जिया चलो जिया जिया, जिया जिया चलो जिया जिया। ओ माय गॉड, ये तो म्यूज़िक बन गया यार। जिया जिया चलो जिया जिया, जिंदगी को जिया ही जिया। ये है पालमपुर की रास्ता और लेफ्ट हैंड साइड जिया 3 किलोमीटर। इस साइड है जिया, जिया इधर है। हाँ तो चल तो आप कहाँ चलो आगे, ऐसे कंफ्यूज मत करो। यहाँ से है 3 किलोमीटर जिया, तो चलो चलें जिया जिया, ओ जिया जिया। और पालमपुर 16 किलोमीटर, देखेंगे अपना पहले जिया को एक्सप्लोर करके आते हैं, उसके बाद का प्लान देखते हैं क्या बनता है। या पालमपुर चल पड़ेंगे, धर्मशाला वाली साइड चल पड़ेंगे, नहीं तो घर चल पड़ेंगे। तीन ऑप्शन हो हमारे पास यार वैसे जिया के बाद, पालमपुर, घर और धर्मशाला। देखते हैं क्या बनता है प्लान, सारा डिपेंड है वेदर के ऊपर। बस भगवान बारिश ना करे, उसके बाद तो
एडवेंचर तो हम करते रहेंगे यार। और ये जो झरना है काफ़ी सही लग रहा है, छोटा सा झरना गांव में। जिया वैसे एक गांव ही है लेकिन काफ़ी प्यारा है यार, प्यारी वैली है पालमपुर की। और यहाँ से आप एक बार व्यू को नज़र मारो यार, क्या बात है। अरे वो तो बीच की लोकेशन भी काफ़ी प्यारी लग रही है, लेकिन वहाँ पे जाया कहाँ से जाएगा, बिकॉज़ वो तो एक साइड, हम आ चुके हैं एक साइड। तो यार काफ़ी ज़्यादा टर्न है, घूम घूम के पहुँच चुके हैं हम प्यारी सी वैली में जो है जिया। और जिया में है एक प्यारी सी मोनेस्ट्री, पहले ऐसा करते हैं मोनेस्ट्री विज़िट करके आते हैं। आपको पता ही ना, जहाँ पे मोनेस्ट्री होती है ना वहाँ पे शांति काफ़ी ज़्यादा होती है यार, मन को भी शांति मिलती है, दिमाग भी स्टेबल होता है थोड़ा सा जाके। यहाँ पे तो ना बुलेट को भगाने का भी अलग ही मज़ा आ रहा है यार। यहाँ तो अलग ही फन चला, डांस, अरे क्या बात है। तो गाइज फाइनली वी रीच मोनेस्ट्री, जिया मोनेस्ट्री। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। काफ़ी सही मोनेस्ट्री यार, तो चलो यार। दोस्तों यार ये है पीछे मेरी मोनेस्ट्री, अभी हम अंदर जाके आए ना, अंदर पूजा वगैरह चली थी, कुछ इनका ट्रेडिशन का चला तो काफ़ी सही है, और ना काफ़ी पीसफुल है यार, काफ़ी ज़्यादा शांति, इसलिए हम भी धीरे बोल रहे हैं ज़ोर से, क्यों यार। तो चलो अब ऐसा करते हैं ना, अब यहाँ से चलते हैं यार, थोड़े से एक दो शॉट आप यहाँ के थोड़े और इन्जॉय करो, फिर यहाँ से निकलते हैं यार। यहाँ पे आके ना सुकून काफ़ी ज़्यादा मिला यार, काफ़ी ज़्यादा शांति थी, मन भी स्टेबल हुआ, और व्यू भी एक नंबर था यार। देखो वेदर काफ़ी सही हो गया यार, अब यहाँ से चलते हैं, भूख भी लग पड़ी है, कुछ खाते हैं, फिर आगे का प्लान उसके बाद बताते हैं यार आपको। यहाँ पे तो बारिश लग पड़ी है, और यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ बारिश है, पहले देखो पूरा रोड गिल्ला है यार। सामने का जो मौसम वो तो साफ़ हो रहा है, लेकिन बारिश भी है यार साथ साथ में, तो चलो जो भगवान को मंजूर है वैसे चलेंगे। और यहाँ चमुंडा में ना पहले बर्गर खाएंगे, बिकॉज़ भूख लगी है, धर्मशाला पहुँचते तो भूख से हो जाएगा बुरा हाल, तो वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेट भरेंगे फिर चलेंगे धर्मशाला की तरफ यार। तो चलो जी निकलते हैं अब यहाँ से, बारिश भी रुक गई है, मौसम भी सही हो गया है, बर्गर खा के और पेट भी भर गया है, सब कुछ सही हो गया है। बाय बाय, अब हो रहा सनसेट, तो निकलते हैं धर्मशाला की तरफ। तो चलो जी, तो दोस्तों यार हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे हम पहुँच गए ना थोड़ी देर पहले, जो GoPro की बैटरी वो हो गई थी ख़त्म, तो थोड़ा सा चार्ज किया है, और जहाँ पे हमने मोमोज खाने थे वहाँ पे मोमोज ही हो गए हैं ख़त्म, बिकॉज संडे ना तो काफ़ी ज़्यादा रश होता, हम हो गए थे थोड़ा सा आने को लेट, तो मोमोज भी ख़त्म और व्यू भी वहाँ का, तो क्या इन्जॉय होना था यार। तब हो गया हमें अंधेरा, अब चलते हैं यहाँ पर आगे, देखते हैं आगे भी आया एक मोमोज का पॉइंट, वहाँ पर मोमोज ट्राई कर लेंगे। पर थोड़े से इशू की वजह से ना यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया यार। ये है नाइट का व्यू, कहाँ से गए थे और कहाँ से जा रहे हैं,
वही तो प्लान का पता नहीं लगता यार कब कहाँ का प्लान बन जाएगा, पर लेकिन आज हमारे फेवरेट जगह के मोमोज मिस हो गए यार। काफ़ी दिनों के बाद निकले थे यार किसी राइड पे, कुछ भी हो जाए तो हम अपने प्यारे धर्मशाला में पहुँच ही जाते हैं। गए थे पालमपुर साइड और आप पहुँचे थे धर्मशाला में, यार क्या बात है। तो दोस्तों यार अब ऐसा करते हैं, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।